Everybody and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is Nutrition in Animals. Beta, this is my 7th video of this chapter. इस चैप्टर की ये 7th वीडियो है और हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ एंड बकल कैविटी डिस्कस किया डिटेल में, देन फूड पाइप या जिसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं वो डिस्कस किया, देन वी डिड स्टमक एंड देन वी डिड स्मॉल इंटेस्टाइन. आज हम आगे चलेंगे. अब हम देखते हैं आज व्हाट वी. सो नाउ कम्स लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में नेक्स्ट बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बताया था कि वो शॉर्ट थिन जो होता है वो कॉयल टाइप होती है हमारी, और वो जैसे मैंने आपको बताया था कि नूडल्स टाइप आपकी बॉडी में होती है, और नॉर्मल एडल्ट की शेप बॉडी में वो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है. मीन्स वो काफ़ी लंबी होती है. बट एज कम्पेयर टू इट, लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है वो. उसका रेडियस अगर आप देखो तो उसका रेडियस एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ा है, और वो वैसे उसका साइज जो है वो छोटा है. अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, व्हाट द लार्ज इंटेस्टाइन डज, उसका रोल क्या है. लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपके जितने भी आपके वाटर और जो सॉल्ट्स होते हैं, जो आपका खाना देखो सारा का सारा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना बॉडी में, कुछ आपका रह जाता है. वो जो आपका रह जाता है उसमें से सारे सॉल्ट और जो उसमें से कुछ सॉल्ट और उसमें से पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. और जो रिमेनिंग आपका बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसको वो बॉडी वेस्ट होता है, वो बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. वो जो चीज़ है, वो जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम में चला जाता है. रेक्टम में जाता है और वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फेसेस से वहाँ पे रहता है, ठीक है. फिर वो जो उसके जो फेशियल जो वो मैटर है, जो आपका सेमी सॉलिड फेसेस का जो मैटर है, वो मैटर को वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी रिमूव कर देती है, ठीक है. बट ये टाइम टू टाइम आपके अकॉर्डिंगली होता है, जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही वो बॉडी से निकलता रहता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. बच्चे, आपको मैंने पहले एक प्रोसेस करवाया था इंजेशन. इंजेशन INGESTION इंजेशन, और अब मैंने करवाया इजेशन EGESTION. इंजेशन और इजेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है. इंजेशन से क्या, फूड अंदर लेना. माउथ से हम अंदर लेके जाते हैं फूड, जो उसको हम इंजेशन कहते हैं. इन मीन्स लेना, और इजेशन मीन्स रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. सो ये मैंने आपको सिंपल सी टिप बताई है कि कैसे आप रिकॉल कर सकते हो, रिमेम्बर कर सकते हो कि इंजेशन मीन्स फूड अंदर लेके जाना, इन करना, और इजेशन मीन्स वेस्ट बॉडी मटेरियल से, वेस्ट जो बॉडी मटेरियल में है उसको आप एक्सक्रीट करना, बॉडी में से निकालना, उसको इजेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे. समझ आ गई होगी अच्छे से. थैंक्स फॉर वॉचिंग.